कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पेपर 2022 मैथमेटिक्स का ये पेपर थर्ड है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पेपर 40 मार्क्स का हुआ है रेगुलर के लिए, और अगर आप प्राइवेट हैं तो आपका पेपर 50 मार्क्स का होता है। चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सोनम जैन। सबसे पहले यहाँ पे सही उत्तर चुन करके लिखना है आपको, जो भी फोर में से एक आंसर राइट हो उसका। एक्स में एक अंतर श्रेणी जिसका प्रारूप, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, आप चाहे तो यहाँ से इक्वेशन देख सकते हैं ये, और जिसमें घातक श्रेणी, फोरबियर श्रेणी, फुकसियन श्रेणी या इनमें से कोई नहीं, जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पर, इसका मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी, जो भी सही आंसर हो वो आपको यहाँ पर इसका टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसका मान भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, समीकरण की धातु है क्या है, एक दो तीन या इनमें से कोई नहीं, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है इक्वेशन, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है समीकरण, चार में से जो ऑप्शन सही लगे आपको वो लगाना है। अब आ जाता है आपका सेक्शन नंबर बी, जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके। अब यहाँ पर आपको यूनिट वन से पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि इस टाइप का डेरिवेशंस पूछा गया है यहाँ पर। अगर आप ऑल्डर्स पेपर करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है कि जो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके अथवा में बहुपद में व्यक्त कीजिए इक्वेशन है, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों करके देख लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल आ जाए। मान ज्ञात कीजिए, इसके अथवा में इसका भी मान ज्ञात करना है यहाँ पर। यूनिट नंबर थर्ड, इसका भी मान ज्ञात करना है। यूनिट नंबर फोर्थ, आंशिक अवकलन समीकरण ज्ञात करना है। अवकलन समीकरण हल कीजिए, एक्स वाई एस इक्वल देन वन और लॉग एस इक्वल देन एक्स प्लस वाई, अथवा में यह आपको हल करना है। और इसके बाद आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर सी, जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। और गाइज, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पे। और भी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूनिट सेकंड, अथवा में ये वाला क्वेश्चन यूनिट नंबर थर्ड से, इसका मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर नाइन, अथवा में हेविसाइड विस्तार सूत्र से मान ज्ञात कीजिए। समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर टेन, चार पिट विधि से समीकरण हल कीजिए। इस समीकरण को हल करना है। चरों के पृथक्करण विधि के माध्यम से
कार्तीय निर्देशन में द्विविमीय लाप्लास समीकरण का हल कीजिए. एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. थैंक यू.